हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेधा क्रिएशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड, जैसे आप सभी को पता है कि आज है शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग खीर बनाते हैं और खीर को बनाकर आंगन या छत पर रख देते हैं, जिससे कि रात में अमृत की वर्षा हो और सुबह उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है बहुत ही स्पेशल खीर जिसका नाम है जाफरानी खीर। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें हम लेंगे लगभग 50 ग्राम बासमती चावल, और देखिए बड़े बड़े दाने हैं। अब इस चावल में हम डालेंगे लगभग एक गिलास पानी और इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 15 मिनट बाद इस चावल को निकाल के हल्का सा ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक हम चढ़ा देते हैं एक पैन, और उसमें चढ़ाते हैं आधा लीटर दूध, और इसको हम उबलने तक के लिए छोड़ते हैं थोड़ी देर। जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम गैस पे पैन को चढ़ाते हैं और उसमें डालते हैं लगभग 2 चम्मच देसी घी। अब हम डालेंगे इसमें अपने धुले हुए और हल्के से सूखे हुए चावल को। अब इसको हम डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं, और इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए और सारे चावल अलग अलग ना हो जाए। इसको चलाते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं मेवे जो हमने काट के रखे थे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेवा ले सकते हैं। आप चाहें तो मेवा को अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें फ्राई किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और इसका थोड़ा सा फ्लेवर चावल के साथ मिक्स भी हो जाएगा। अब हमारे चावल और हमारे ड्राई फ्रूट्स दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तब तक हम देखते हैं, दूध हमारा उबल चुका है और इसमें अब हम डाल देंगे फ्राई किए हुए चावल और ड्राई फ्रूट्स को। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे लगभग 5 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए नारियल। इसको हमने फ्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको बहुत बारीक काटा था और उस समय वो जल जाता, इसलिए मैंने इसको अभी डाला है। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं चावल को अच्छी तरह से। जब तक ये पकता है तब तक हम गैस पर पैन चढ़ाकर मखाने को भून लेते हैं। मखाना हम इसमें इसलिए डालेंगे जिससे कि हमारी खीर थोड़ी सी गाढ़ी बने और उसका टेस्ट भी बढ़ जाए। तो यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच घी। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कटोरी मखाना। मखाने को हमें मीडियम आंच पे ही भूनना है और हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे एकदम हल्का सा ही भूनना है, और इसके बाद हमें इसे मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसको लगभग सिर्फ 5 मिनट तक ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनिएगा। अब ये 5 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम भून चुका है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। यहाँ पे दूध को पके हुए 10 मिनट और हो चुके हैं और इसमें से चावल पक चुके हैं। बासमती चावल थोड़ा जल्दी पक जाते हैं और पहले से अगर भीगे हो तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। इसको हम दबा दबा के हल्के हल्के चावल को मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे वही पिसा हुआ मखाना पाउडर और इसको अच्छे से डाल के चला देंगे। अब खीर में डालेंगे सबसे मेन पार्ट, जो मैंने हल्के गुनगुने दूध में 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, जाफरानी। ये जाफरानी दूध में डाला हुआ है। 15 मिनट बाद इसका कलर देखिए कितना खिल के आ रहा है।
अब इसको हम जब खीर में डाल देंगे तो हमारे खीर का कलर ही एकदम चेंज हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको हम लोग अच्छे से चलाएंगे और जब तक हमारा ये दूध जल कर आधा ना हो जाए तब तक हमारी खीर बनके तैयार नहीं होगी, तो हमें अभी 10 मिनट का वेट और करना पड़ेगा। तब तक हम इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें डालते हैं लास्ट में एकदम आधी कटोरी लगभग चीनी, जितना हम चावल लेंगे उतना ही चीनी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और ज़्यादा मीठा अगर आपको पसंद हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। अब हम दूध को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और उसको आधा होने देंगे। ये देखिए दूध आधा हो चुका है और खीर थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। अभी खीर पक चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची जो हमने हल्की सी कूट के रखी थी। ये 8 से 10 इलायची के दाने हैं और अब हम इसे चला देंगे। हमारी खीर बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस शरद पूर्णिमा में आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्ट होता है इसका। अब हम इसको बाउल में निकाल कर सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये ज़फ़राने की, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर लगता है कि मैंने जो मेहनत की है वो सफल हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब मैं 100+ सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।